समझ में नहीं आता इस आदमी का, ये आदमी है क्या? इतनी हिफाजत और पहरे के बावजूद ये आदमी हमारे महल में दाखिल कैसे हो गया? हसन झा, ये दाखिल हो गया ठीक है, लेकिन ये बात हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। हाँ रुस्तम, ये आदमी हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। चलो। नहीं नहीं हसन झा, मैं तुम्हें गलती नहीं करने दूंगा, ये आदमी हमारे बस का नहीं है। तो क्या करें? अगर ये आदमी हमारे हाथ से निकल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं हसन झा, ये आदमी बहुत खतरनाक है। याद है वो दिन जब इससे मुकाबला हुआ था, कितनी बुरी तरह इसने हमें शिकस्त दी थी और तेरा मार मार कर इसने बुरा हाल कर दिया था। मेरा भी, और फिर शहजादी ने तेरा वो हाल किया था झापड़ मार के, मेरा भी। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है, इसका इलाज कराओ। वो बात अलग थी और वो मुकाबला भी बाहर हुआ था, लेकिन इस वक्त याद में हमारे महल में है और हमारे सिपाही भी यहाँ मौजूद है। अच्छा, पीछे देखो, यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। कहाँ गए सारे के सारे? मैं तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगा, इससे कोई खतरा मोल मत लो। वो तो ठीक है, अगर ये फरार हो गया तो? अरे फरार हो गया तो हो जाने दो, हमारा क्या। एक एक काम करते हैं, ये खबर जाकर जिब्रान और जिगाला को देते हैं। अरे लड़ना भिड़ना मारना पिटना उनका काम है, हमारा नहीं है। ये ठीक है, उन्हीं को जाकर ये खबर देते हैं। चलो चलो। जिगाला, जिब्रान, बड़ी हैरतनाक खबर है। क्या हुआ संचा? जरगाम हमारे महल में दाखिल हो चुका है। जरगाम हमारे महल में दाखिल हो चुका है? हाँ हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है, वो महल के पिछले हिस्से में मौजूद है। तुमने यहाँ आने से पहले उसका कत्ल क्यों नहीं कर दिया? हम उसका कत्ल कर ही डालते, फिर हमने सोचा कि तुम्हें पहले बता दिया जाए। अच्छा हुआ तुम लोग हमें यहीं मिल गए, हम लोग तुम्ही लोगों की तलाश कर रहे थे। चलो जिगाला, उसका गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है, कहीं वो शहजादी तक न पहुँच पाए। चलो। जिब्रान, यही है वो जगह, यहीं पर उसे हमने देखा था। अरे अगर तुमने उसे यहीं देखा था तो वो गायब क्यों हो गया? जिब्रान, हमने उसे अपनी आंखों से यहीं देखा था, वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, वो यहीं कहीं होगा, तलाश करो उसे। जिगाला, शहजादी मेहरंगेज बेखबर है कि जरगाम महल में दाखिल हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि जरगाम उन तक पहुँच जाए। वो शहजादी तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेगा, उसे पहले हमें उसे रोकना है। हमें जरगाम को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करना होगा, वरना वो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हमें उसे तुरंत गिरफ्तार करना होगा। जिब्रान, हमें फौरन हसन शाह और रुस्तम को शहजादी के पास रवाना कर देना चाहिए। हसन शाह, रुस्तम, तुम लोग शहजादी के पास जाओ और उन्हें खबर कर दो कि जरगाम महल में दाखिल हो चुका है। सारे सिपाहियों को भी खबरदार कर देना। जाओ जाओ, चलो। शहजादी आलम, शहजादी आलम, क्या हुआ? तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? गजब हो गया शहजादी आलम, गजब हो गया। गजब हो गया? ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा? जरगाम, जरगाम हमारे महल में दाखिल हो चुका है शहजादी आलम। जरगाम? हाँ शहजादी आलम। बहुत खूब, वो खुद ही हमारे पास चलकर आ गया, हमें उसे तलाश करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसके साथ ही तो हमारे कैद खाने में है ही, अब वो भी आ गया। ये लोग कितने नादान, कितने नासमझ हैं, जो महल अंगेज के मौत के बिछाए हुए जाल में खुद आ फंसते हैं। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है शहजादी आलम। हसन शाह, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जिस भी दुश्मन ने तुर्किस्तान की सर जमीन पर अपना कदम ये सोच कर रखा कि वो जिंदा वापस लौट जाएगा, तो ये नामुमकिन सी बात है। तारीख गवाह है कि हमने अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं किया। वो जिब्रान और जिगाला की नजरों से बच कर नहीं जा सकता। मुझे तो लगता है कि इन दोनों को जरूर धोखा हुआ है। अगर जरगाम महल में दाखिल हुआ है तो वो गायब कैसे हो सकता है? नहीं नीचे प्लान, हसन शाह की नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। अगर उसने जरगाम की गवाही दी है तो जरूर इसके पीछे कोई सच्चाई होगी। जिगाला, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने किसी और को देखा हो और उसे जरगाम सोच बैठा हो,
हो सकता है, लेकिन जहांगीर शाह का महल में दाखिल होना हमारे शक को और भी मजबूत कर देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जरगाम जहांगीर शाह के साथ इस महल में दाखिल हुआ था? मुझे भी कुछ ऐसा ही शक हो रहा है जिब्रान। वो यकीनन जहांगीर शाह के साथ महल में दाखिल हुआ होगा। मुझे लगता है कि ये दोनों हिंदुस्तान के शहजादे की तलाश में यहां आए। हो सकता है, लेकिन जरगाम का वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। वो जरूर यहीं कहीं हमारे आसपास होगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये जरगाम इतनी जल्दी हमारी आंखों में धूल कैसे झोंक सकता है? वो जरूर यहीं कहीं छुपा होगा। देखता हूं कौन बचाता है महरंगेज को सरगाम के हाथों से। अब सरगाम का कोई भी साथी महरंगेज की कैद में नहीं रहेगा। वो तमाम दुश्मन हमारी हिरासत में हैं, जिनके गले का फंदा हम तैयार कर चुके हैं। जब तक उनकी गर्दन कट कर हमारी ठोकर में नहीं गिर जाती, हम चैन से नहीं बैठेंगे। वो हिंदुस्तान का शहजादा हो या काबुल का बादशाह, हमने उनकी जिंदगी पर मौत की मोहर लगा दी है। जब हमारे दुश्मनों के खून की धार आसमान तक पहुंचेगी, तो एक बार फिर ये सारी दुनिया महरंगेज के नाम से लरज उठेगी, कांप उठेगी। हम जानते हैं कि हमारे दुश्मन जब मौत की सलीब पर लटकाए जाएंगे, तो एक कोहराम मच जाएगा, कयामत आ जाएगी, और दुश्मन हम तक पहुंचने की जान तोड़ कोशिश करेगा। इसलिए जाओ और सारे महल, सारे किले में हमारा ये फरमान पहुँचा दो कि हमारा दुश्मन जरगाम किसी की नजर से जिंदा गुजरने न पाए। और जिगाल और जिब्रान से कहो कि अगर किसी ने भी हमारे महल में दाखिल होने की जुर्रत की, तो उसे उसी वक्त और वहीं खत्म कर दिया जाए। आपका हुक्म हमें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। ऐसा ही होगा। और उस तुम किसी ने कदम आगे बढ़ाया तो खबरदार। महरंगेज, अब किसी भी दुश्मन का कत्ल नहीं किया जाएगा। किसी भी दुश्मन की मौत नहीं होगी। अब किसी भी बेगुनाह की गर्दन नहीं काटी जाएगी। अब गर्दन कटेगी तो सिर्फ महरंगेज की। सरकाम को इसी दिन की तलाश थी महरंगेज। जिस तरह तुमने अपने दुश्मनों की गर्दनें काटकर अपने महल की दीवारों पर लटकाई हैं, उसी तरह सरगाम तुम्हारी गर्दन काटकर तुम्हारे महल की दीवार पर लटका देगा। खबरदार बेअदब, अगर किसी ने भी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो तुम लोगों की शहजादी की गर्दन तुम लोगों की ठोकर पर होगी। खबरदार, कदम आगे नहीं बढ़ाना। खबरदार। अगर अपनी शहजादी की जिंदगी चाहते हो तो लौट जाओ यहां से। लौट जाओ। नहीं सरगम, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे अपनी इस गलती के वजह से जिंदगी भर पछताना पड़े। अगर तुझे नहीं चाहता कि हम तुझे यहीं दफन कर दें, तो छोड़ दे हमारी शहजादी महरंगेज को। खामोश। अगर किसी ने भी आवाज बुलंद की, तो एक की छटके में गर्दन काट के रख दूंगा तुम्हारी शहजादी की। ऐसे गलती मत कर। हमारे जुनून को ललकारने की कोशिश मत कर, वरना
कयामत आ जाएगी जमीन पर। रुक जाओ सिगाला, ये हमारी गर्दन तो क्या हमारी परछाई को भी नहीं काट सकता। तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। गर्दन काट के रख दी जाएगी तुम्हारी। तुमने बेगुनाहों पर कितने जुल्म सितम किए हैं, सरकाम की तलवार तुम्हारे खून की प्यासी रहेगी। महल अंगेज के सामने बड़ी बड़ी तलवारों की धारें उलट गई हैं। ये हमें गिरफ्तार करके खुश जरूर है, लेकिन इसकी नादानी के लिए इसको पछताना जरूर पड़ेगा। मुझे अपनी नादानी पर नहीं, तुम्हें अपने जुल्म अपनी सिद पर पछताना पड़ेगा। महरंगेज, कह दो अपने गुलामों से कि अगर वह तुर्किस्तान का ताज जिंदा चाहते हैं तो लौट जाए यहां से। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अब तुम्हारी शहजादी को इसी शर्त पर छोड़ा जाएगा, अगर वो हिंदुस्तान के शहजादे तमास जागीर शाह और कोहे काफ के बाशिंदों को रिहा करेगी, वहां के लोगों को रिहा करेगी, कोई आगे नहीं बढ़ना। आगे मत बढ़ो, हमसे ज्यादा हमारे कैदियों की हिफाजत जरूरी है। अब कोई तुम्हारी हिफाजत नहीं करेगा महरंगेज, कोई तुम्हारी हिफाजत नहीं करेगा। और तुम लोगों की दहलीज यही तक है, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इसकी गर्दन काट के रख दूंगा। खबरदार, अब क्या होगा, अब क्या होगा सिगाला? उसके इरादे ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो दरगाम हमारी शहजादी का कत्ल कर दे। वो शहजादी का कत्ल नहीं कर सकता जब तक उसके साथी हमारी कैद में है। वो शहजादी को कुछ नहीं कर सकता। हम इसे इतने आसानी से जाने नहीं देंगे, ये हमारे हाथों से बच कर जाएगा का। असंचा, तुम रुस्तम को लेकर जाओ और हिंदुस्तान के शहजादे पर कड़ी नजर रखो। सरगाम का कोई भी साथी हमारी कैद में से फरार नहीं होना चाहिए। सिपाहियों, जाओ और महल को चारों तरफ से घेर लो। और रुस्तम, सिखाला, हमारा इनका पीछा करना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चले कि जरगाम शहजादी को लेकर किस तरफ जा रहा है। हमें जरगाम को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना है और ना ही हिंदुस्तान के शहजादे को, इसलिए इनकी हिफाजत बहुत जरूरी है। रुस्तम, समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। हालात बहुत खराब होने वाले हैं। शहजादी की गिरफ्तारी से तुर्किस्तान के बड़े बड़े सूरमाओं में सन्नाटा फैल गया। आज तो मैं भी हैरान रह गया। अरे हमारे बड़े बड़े सूरमा जो लंबी लंबी हाँकते थे, आज तुम दबाए बैठे थे, भीगी बिल्ली बने हुए थे। अरे हमारी शहजादी को हमारे साल में गिरफ्तार करके ले गए और हम बुजलों की तरह खड़े रह गए। डेट तेरी की। ये जिगाला जिब्रान तो बहुत ही डरपोक निकले। अरे जान कुर्बान कर देनी चाहिए थी इनको शहजादी की हिफाजत के लिए, मगर नहीं, मुंह देखते रहे, बड़े बहादुर बनते हैं। अरे इनसे ज्यादा बहादुर तो मैं हूँ। क्या था? नहीं नहीं, हम है, कम से कम मुकाबला तो किया था दरगाम का। शिकस्त हो गई तो क्या हुआ? शिकस्त तो किसी की भी हो सकती है, पर इन लोगों ने नाक कटा दी तुर्किस्तान की। हाँ रुस्तम, रुस्तम, अगर जरगाम ने शहजादी का कत्ल कर दिया ना तो जो बची खुची नाक है वो भी कट जाए। अरे इन लोग का क्या है? ये तो आराम से घूम रहे और हमें भेज दिया। जाओ शहजादी की हिफाजत करो। अच्छा, तुम जानते हो इन्होंने हमें शहजादी की हिफाजत के लिए क्यों भेजा है? क्यों? क्योंकि ये लोग डरते हैं हिंदुस्तान के शहजादे से। अगर ऐसी बात है तो क्या जरूरत है हमें शहजादे की हिफाजत करने की? अरे क्यों अपनी जान को हम खतरे में डालें? क्यों? बड़ी अकलमंदी की बात की है तुमने संजा। वाह, हम शहजादे की हिफाजत क्यों करें? हम ये खतरा क्यों मोल लें? अगर खुदा न खास्ता शहजादा सलाखों के बाहर आ गया, उसके मुकाबला कौन करेगा? रुस्तम, एक जरगाम को तो हम संभाल नहीं सके। अगर ये पांच पांच कैदी आजाद हो गए तो बाल नोच डालेंगे हमारे सर के। हसन शाह, तुम फिक्र मत करो, सर गंजा होने की नौबत नहीं आएगी। रुस्तम ने इससे बचने की तरकीब सोच ली है। जल्दी बताओ रुस्तम, इस मुसीबत से छुटकारा पाने की कौन सी तरकीब है तुम्हारे पास? हसन शाह, इस मुसीबत से बचने की एक ही तरकीब है और वो है हम शहजादे की हिफाजत क्यों करें। ये काम हमारे सिपाही करेंगे। हे रुस्तम, सिपाहियों को वहां तैनात करना खतरनाक साबित हो सकता है। अरे हसन शाह, खतरा होगा तो सिपाहियों को होगा, हमें तो नहीं होगा ना। कोई जरूरत नहीं है खतरा मोल लेने की। याद नहीं है तुम्हें एक बार दरगाम के साथ खतरा मोल लेकर किस बुरी तरह फंसे थे हम? हाँ रुस्तम, वो बात मैं आज तक नहीं भूला हूं कि दरगाम को जाते हुए
खुद हमने जाकर रोक लिया था और मुसीबत मोल ले ली थी। लेकिन इस बार तो दरगाह महल में मौजूद है और हमारी शहजादी उसके कब्जे में है। रुस्तम, यही डर तो मुझे भी लग रहा कि इस बार पता नहीं वो हमारा क्या हाल करेगा। संजा, एक काम करते हैं, सिपाहियों को शहजादे के पास तैनात करते हैं, हम वापस चलते हैं। वापस? वापस कहाँ? अरे जिगाला और जिब्रान के पास। हाँ, ये ठीक रहेगा। जिगाला, मुझे लगता है कि जब तक हम लोग हिंदुस्तान के शहजादे और कोहकाफ के उन बाशिंदों को आजाद नहीं करते, सरगम शहजादी मेहरंगेज को आजाद नहीं करेगा। हाँ जिब्रान, हमें भी यही फैसला करना है कि शहजादी को किस तरह आजाद करवाना है। जिगाला, जिब्रान, तुम लोग क्या खबर लाए हो? तुम लोग सिपाहियों को अच्छी तरह तैनात कर दिया? शहजादे की हिफाजत के लिए जेल के चारों तरफ सिपाहियों का दस्ता बढ़ा दिया। हाँ जिगाला, महल के चारों तरफ सिपाही तैनात कर दिए गए हैं और शहजादे की हिफाजत के लिए दस्ता भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है हसन शाह, अब देखते हैं कि ये लोग कैसे आजाद होकर दिखाते हैं।